अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। तो माजरत जी कि मैं अपनी कोई ज़ाती मसरूफियात की बिना पे आप लोगों को टाइम नहीं दे सका। कुछ लोगों के मैसेजेस मुझे पर्सनली भी आए हैं कि शायद भाई अब आप जो है ना पीछे हट रहे हैं हमसे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए हमारा रबता है। अगर हम लाहौर जाते हैं तो फिर भी वही बात है, डीपीएल साहब से हमारी बात हुई है, सर रोम साहब ने भी ग्रुप में ना शेयर की है अपनी सारी वॉइस। तो उन्होंने यही कहा था कि हमने जो एडवाइस भेजी है ना अकाउंट ऑफिस को, तो उन्होंने वो रिजेक्ट किया है कि ये प्राइवेट बंदे हैं, इनको हम इस तरह सैलरी नहीं दे सकते, इनका रिकॉर्ड रखना मुश्किल है, अगर सैलरी देते हैं तो वो कोड के ज़रिए देना पड़ेगी। तो ये तो फिर अकाउंट ऑफिस नहीं कर सकता। तो डीपीएस साहब कह रहे थे कि हमने सीईओज की मीटिंग बुलाई है, इधर एक नई एडवाइस जो है तैयार करके हमने अकाउंट ऑफिस को भेजी है इंशाल्लाह, और इस पर वर्क हो रहा है और जल्दी आप लोगों को इसका रिप्लाई मिलेगा। और जो पंजाब टीचर यूनियन के मेंबर्स हैं काशिफ चौधरी साहब और वहीद मुराद यूसफी साहब, उनसे भी हमारा रबता है, तो वो भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रबते में रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका रिप्लाई मिलेगा 2-4 दिन में। तो अल्लाह करे जी कि अब बेहतर ही हो। तो अगर हम लाहौर जाते हैं तो फिर भी इन्होंने हमें यही बातों का जवाब देना है कि भाई ये हो रहा है हो रहा है, लेकिन ये बात ज़रूर पक्की है कि जो उन्होंने कही अकाउंट ऑफिस वाकई उन्होंने रिजेक्ट किया कि ये पॉलिसी जो है हमें कोई वाजह पॉलिसी दी जाए जिसके तहत हम इनको सैलरी दें। तो वर्कआउट हो रहा है, अल्लाह करेगा। तो हम रबते में हैं, अगर हम वेट करते हैं, अगर ना ही कुछ हल हुआ तो फिर हम जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह ताला।